हेलो एवरीवन, अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे डिबगिंग के कॉन्सेप्ट की कि डिबगिंग को किस तरीके से यूज़ किया जाता है और डिबगिंग एक्चुअली क्या होता है, और हम कुछ शॉर्टकट्स देखेंगे विद डिफरेंट ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए कि किस तरीके से स्क्रैच में डिफरेंट शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपना प्रोग्राम जल्द से जल्द लिख सकते हैं और कुछ शॉर्टकट्स यूज़ करते हुए अपना प्रोग्राम कितना एफिशिएंटली फास्ट लिख सकते हैं। सो लेट्स से कि हमारा एक प्रोग्राम है जो कि साउंड कैटेगरी के ब्लॉक्स को इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें हमारे पास कुछ नोट्स प्ले हो रहे हैं, जिसमें 5 प्ले नोट्स हमारे पास मौजूद हैं। और 5 प्ले नोट्स बेसिकली, ये प्ले नोट्स जो हैं ये पियानो के नोट्स हैं, और पियानो के नोट 60 का साउंड को जिस तरीके का होता है हम सबसे पहले चला के देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि एक्चुअली हमारा टास्क है क्या और हमें करना क्या है। सो इसका साउंड को जिस तरीके से होता है, राइट, जैसे आपने देखा कि जो नोट्स हैं ये पियानो के नोट्स दे रहे हैं, और आपको और किस तरीके से अच्छे से पता चल जाएगा कि ये वाकई पियानो के नोट्स हैं, इससे आपको इस तरीके से पता चलेगा कि आप जब इसके एरो को प्रेस करेंगे तो यू सी दैट कि जो पियानो के डिफरेंट नोट्स हैं वो यहाँ पे ओपन हो गए हैं। तो मैं जो भी सेलेक्ट करूँगा वो एज एन ऑप्शन, एज अ नंबर इसमें सेलेक्ट हो जाएगा फॉर डिफरेंट बीट्स। बीट्स बेसिकली यहाँ पे सेकंड्स को रिप्रेजेंट करी होती हैं। जितने भी बीट्स आप देते हैं इसका मतलब ये होता है कि आप इतने सेकंड्स के लिए ये नोट को प्ले करना चाहते हैं, राइट। तो लेट से हमारा जो टास्क है वो बेसिकली, लेट से कि एक टास्क है जिसमें हमारे पास 5 नोट्स इस्तेमाल हो, 5 ब्लॉक्स प्ले नोट के इस्तेमाल हो, और हमारे पास जो एक आउटपुट आया साउंड में वो नोट 60, 61, 62, 63 एंड 64 का प्ले हो, राइट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमारा जो टास्क है वो ये है कि हम 5 प्ले नोट के ब्लॉक्स को इस्तेमाल करें और हमारे पास 60, 61, 62, 63 एंड 64 का नोट प्ले हो, राइट। तो लेट से इसका प्रोग्राम किस तरीके से लिखा जाएगा। तो एज यू सी कि हमारे पास ऑलरेडी 5 नोट्स प्ले नोट के ब्लॉक मौजूद हैं, बट हम फिर भी इसको दोबारा बना लेंगे अपने शॉर्टकट्स को इस्तेमाल करते हुए। सो लेट से कि मैंने ये एक ब्लॉक इस्तेमाल कर लिया, मैं इसको थोड़ा सा और जूम भी कर देता हूँ। ओके, सो लेट्स से कि मैंने एक प्ले नोट का ब्लॉक यूज़ कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हुए इसको प्रोग्राम बनाना है। तो एक शॉर्टकट का तरीका ये है कि मैं इस ब्लॉक पर जाकर राइट क्लिक करूं, तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है एक डुप्लीकेट का और डिलीट का। सो डुप्लीकेट का ऑप्शन क्या करता है कि जो भी ब्लॉक आपने सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया है, जिस भी ब्लॉक पर आपने राइट क्लिक किया है वो ब्लॉक एज इट इज़ या उसे नीचे कनेक्ट हुए हुए एज इट इज़ सारे ब्लॉक्स एज अ डुप्लीकेट क्रिएट हो जाते हैं, राइट। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा, सो आपने देखा कि इसने बिल्कुल सिमिलरली वैसे क्रिएट कर दिया। अब जिस तरह मैं अगर दोबारा पहले वाले पर राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करूँगा, तो आपने देखा कि उसने नीचे के 2 क्रिएट कर दिए। तो इस तरीके से हम एक बहुत जल्दी प्रोग्राम लिख सकते हैं अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लॉक्स का एक प्रोग्राम है जो कि सिमिलर कोड, सिमिलर ब्लॉक्स को बहुत ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल कर रहा है, राइट। तो जैसे कि हमारा टास्क है कि हमारे पास 60, 61, 62, 63 एंड 64, राइट। सो अगर हम इस नोट को प्ले करें तो लेट्स से कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। ऑलराइट, सो जैसे कि हमारा टास्क है कि हमारे पास प्ले नोट 60, 61, 62, 63 एंड 64 प्ले होना चाहिए, सो हमारा आउटपुट भी नोट के साथ बिल्कुल वैसे ही प्ले हुआ। बट लेट्स से कि हमारा एक फ्रेंड आता है और वो कहता है कि इसी प्रोग्राम को चलाओ लेकिन जो नोट्स हैं, जो प्ले नोट प्ले हो रहे हैं वो इवन नंबर में प्ले हो। इवन नंबर का मतलब होता है कि वो मल्टीपल ऑफ 2s हों, मतलब 60, 62, 64, 68 एंड 70, राइट। तो 2 के मल्टीपल्स के हिसाब से अगर आप देखें तो 60 से लेके 5 टाइम्स जब 5 ब्लॉक इस्तेमाल होते हैं तो वो 70 तक का काउंट बनता है। 68 तक का बनता है। सो जो भी ब्लॉक्स बनते हैं, जो भी प्लेनोट बनते हैं, इस हिसाब से हमारे जो दोनों प्रोग्राम्स हमें भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो एक्चुअली गलत हैं। दैट मींस कि हमें रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने प्रोग्राम को डीबग करना पड़ेगा। दैट मींस कि हमें अपने प्रोग्राम को में जो बग है, हमारे प्रोग्राम्स में जो बग है उसको ख़त्म करके अपने प्रोग्राम को रीराइट करना पड़ेगा या मिस्टेक्स को निकाल के सही प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो लेट्स से कि अगर मैं अपने लेफ्ट वाला प्रोग्राम को सेलेक्ट करूं
और ये वाला प्रोग्राम हटा दूं तो एक शॉर्टकट ये भी है मेरे इस प्रोग्राम को हटाने का कि मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर दूं, या तो मैं इस पूरे ब्लॉक को उठा के दोबारा जहाँ से ब्लॉक्स मैंने उठाए थे मैं वहाँ ड्रॉप कर दूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे सारे ब्लॉक्स जो भी उठा के मैंने वहाँ फेंके थे वो सब डिलीट हो गए। सो लेट से जो हमारे दोस्त ने हमें रिक्वायरमेंट दी है कि इवन नंबर पे हमारे प्ले नोट्स होने चाहिए, हम उसकी बेसिस पे यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट करेंगे और इस प्रोग्राम को डीबग करके इसको दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सो दोबारा से क्रिएट करने का मतलब ये है कि हम इसी में चेंजेस करना चाहते हैं। तो चेंजेस करने से हमारा क्या होगा कि हमारे जो सिर्फ नंबर हैं सिर्फ वो बदल जाएंगे और बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो हमारा 60, 62, 64, 66 एंड 68, तो ये जो नंबर्स हैं एक्चुअली ये अब वो प्ले नोट करेंगे जो भी इन नंबर्स पे प्ले नोट की ट्यून होगी। और ये जो प्रोग्राम है हमारी दोस्त की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बिल्कुल परफेक्टली इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो लेट्स सी हमारा आउटपुट क्या आता है। राइट सो पहले का साउंड अलग था जो आया और अब जो साउंड आया वो बिल्कुल अलग है। हम एक प्रोग्राम और बना लेते हैं बिल्कुल वैसे ही जो हमने पहले बनाया था ताकि हम चेक कर सकें क्या वाकई ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। सो पहले वाला जो प्रोग्राम था हमारा वो था 60, 61, 62, 63 एंड 64। राइट सो हम इसका आउटपुट भी देखते हैं और फिर ऊपर वाले का आउटपुट भी देखते हैं कि उसमें क्या हमें कोई फ़र्क वाजे हो रहा है या नहीं हो रहा। राइट ये था हमारा नीचे वाला प्रोग्राम, अब ऊपर वाला प्रोग्राम। राइट सो एज वी नोटिस कि हमारे पास दोनों प्रोग्राम्स में बिल्कुल डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट आ रहा है। सो दैट मीन्स कि हमने इस प्रोग्राम में जो चीज़ें देखी कि हमारे शॉर्टकट्स, हमने डुप्लीकेट्स कैसे कर सकते हैं, हम डिलीट कैसे कर सकते हैं, हम कोई भी ब्लॉक्स को एक से ज़्यादा दफ़ा जल्द से जल्द किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, हम चेंज कैसे कर सकते हैं और हम अपने प्रोग्राम को रिक्वायरमेंट के मुताबिक डीबग कैसे कर सकते हैं। राइट हम डीबगिंग के मुताबिक और भी प्रोग्राम्स आगे अपने वीडियोस में देखेंगे और उसमें और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली डीबगिंग और अच्छे तरीके से कैसे हो सकती है।